वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी रीड अलॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है ये। आप आ जाइए पेज नंबर 191 पर, अपनी बुक्स खोल सकते हैं आप, साथ में अपने रजिस्टर भी ओपन रखें। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर्टिकल 8.7, तो इसे डिस्कस करने वाले हम लोग। ओके, let's start with gravitational potential energy. We had discussed earlier the notion of potential energy as being the energy stored in the body at its given position. So hum jante hain already ki potential energy because of its state ki wajah se hoti hai ya position ki wajah se hoti hai. If the position of the particle changes on account of forces acting on it, उसकी वजह से अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, देन द चेंजेस इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द फोर्स। जितना भी वर्क किया, जैसे नीचे से किसी चीज को उठाकर आपने ऊपर रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ऊपर से वो नीचे गिर जाती चीज तो घट जाएगी। एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, फोर्सेस फॉर विच द वर्क डन इज इनडिपेंडेंट ऑफ द पाथ आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये कंसेप्ट रिवाइज हो गया बच्चों आपका। जिन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है और एक सर्कुलर पाथ में घुमाने पर जो वर्क होता है वो जीरो होता है, तो उनको हम बोलते हैं फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स एंड वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी अराइजिंग आउट ऑफ दिस फोर्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप फैमिलियर हैं MGH जो टर्म है, पर उसकी डिटेलिंग में हम जाएंगे, MGH आया कहां से। और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, तो रेफरेंस उसके लिए हम क्या लेने वाले हैं वो समझेंगे। कंसिडर पॉइंट्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ एट डिस्टेंसेस फ्रॉम द सरफेस मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो कैपिटल आर 6400 किलोमीटर के कंपेरिजन में बहुत ही कम दूरी है, और दो पॉइंट्स ऐसे हम कंसीडर करते हैं। इन सच केसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज प्रैक्टिकली ए कांस्टेंट इक्वल टू एमजी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इफ यू कंसीडर ए पॉइंट एट ए हाइट h1 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द अनदर पॉइंट वर्टिकली अबव इट एट ए हाइट h2 फ्रॉम द सरफेस। तो एक पॉइंट मान लीजिए आपके घर का जो फर्स्ट फ्लोर है उसका फर्श, और दूसरा पॉइंट मान लीजिए आपके घर मान लो 3 मंजिल है तो उसकी छत। तो एक पॉइंट हो गया h1 और दूसरा जो h2 है ठीक उसके ऊपर। द वर्क डन इन लिफ्टिंग द पार्टिकल ऑफ मास m फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकेंड पोजिशन, यानी फर्स्ट फ्लोर के फ्लोर से टॉप फ्लोर की छत तक आप ले जा रहे हो मास m को। माना कि वो जो वर्क किया आपने, मान लो आप एक ईंट उठाकर ले जा रहे हो जो छत पर रख रहे हो, वो है W12। पहले अभी बक्से के नीचे रखी हुई थी आपने, बक्सों के नीचे हम ईंट लगा दिया करते हैं जनरली, वो 4 ईंट पे टिका देते हैं, वो सेफ भी रहता है। W12 इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो mg उसका वेट है और डिस्प्लेसमेंट हुआ h2 - h1। इफ वी एसोसिएट ए पोटेंशियल एनर्जी जिसको हमने दिखाया w फंक्शन ऑफ h एट ए पॉइंट एट height h above the surface such that wh है mgh plus w0। अब ये w0 क्या है ये समझना होगा। Where w0 is constant, then it is clear that w12 जो है वो है wh2 minus wh1। और general formula हम देख रहे हैं wh का क्या है, mgh plus w0 which is reference। So the work done in moving the particle is just the difference of potential energy between its final and initial positions। क्योंकि जब मैं WH2 की जगह लिखूंगा मैं लिखूंगा MgH2 plus W0, WH1 की जगह लिखूंगा तो मैं लिखूंगा MgH1 plus W0। तो हम देख रहे हैं W0 तो कट जाएगा, तो ये बचेगा Mg times H2 minus H1। So setting H equal to 0, अब यहाँ reference देख लेते हैं हम। Observe that a constant W0 cancels out in equation 8.22. Setting h equal to 0 in the last equation, we get w at h equal to 0 equal to w0,
एच इक्वल टू जीरो मीन्स पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल हमने उसको मान लिया, दस डब्ल्यू जीरो इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये रेफरेंस हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव क्वांटिटी है एंड वी नीड ए रेफरेंस फॉर दैट। इफ वी कंसिडर पॉइंट्स एट आर्बिट्रेरी डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द रिजल्ट जस्ट डिराइव्ड इज नॉट वैलिड। रीजन ध्यान से देखिए, एम जी एच में एम उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, आप यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, इट विल नॉट गोइंग टू चेंज, वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, एम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास विल रिमेन सेम। एच वो डिपेंड कर रहा है पॉइंट कितना ऊंचाई पर है, पर ये जो जी है, रिसेंटली हमने सीखा जी वेरीज विद हाइट एंड विद डेप्थ, तो जी पर जो फर्क पड़ेगा उसकी वजह से यहां फर्क पड़ने वाला है। So, if we consider points at arbitrary distance from surface of the earth, the result just derived is not valid. MGH काम नहीं करेगा, since the assumption that the gravitational force MG is a constant is no longer valid. अभी change हो जाएगा। However, from our discussion, we know that a point outside the earth, the force of gravitation on a particle directed towards the center of the earth is, ये हमें पता है, gmm upon r square. जहां पे m सबस्क्रिप्ट e जो है मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m जो है मास ऑफ पार्टिकल एंड r उसकी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द अर्थ से, जिसमें कैपिटल r प्लस h दोनों आ जाएगा, यानी स्मॉल r इज कैपिटल r प्लस h। इफ वी नाउ कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग ए पार्टिकल फ्रॉम स्मॉल r इक्वल टू r1 टू स्मॉल r इक्वल टू r2, जहां पे r2 ग्रेटर देन r1 है, अलोंग ए वर्टिकल पाथ, वी गेट इंस्टेड ऑफ इक्वेशन 8.20 हमें क्या मिलने वाला है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेबल फॉर्मेट। इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ा बच्चों, क्योंकि यहां पर जीएम जिसको मैं जी आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं, उसमें जो स्मॉल जी आएगा, कैपिटल जीएम को स्मॉल जी आर स्क्वायर लिख सकता हूं, स्मॉल जी जो आएगा वो वेरिएबल है। सो व्हाट वी डू, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर, तो उसमें कॉन्स्टेंट्स को हमने बाहर निकाला, जी एम ई एम और डी आर डिस्टेंस वेरी कर रही है r1 से r2, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। इन प्लेस ऑफ इक्वेशन 8.21 वी कैन दस एसोसिएट ए पोटेंशियल एनर्जी w व्हिच इज फंक्शन ऑफ r इंस्टेड ऑफ h एट अ डिस्टेंस r सच दैट wr होगा माइनस gmm अपॉन r प्लस w1 वैलिड फॉर r ग्रेटर देन r, जो डिस्टेंस है स्मॉल r अगर रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा है तो ये एक्सप्रेशन उसके लिए वैलिड है, जहां पर W1 क्या हो जाएगा रेफरेंस। सो दैट वंस अगेन W12 इक्वल टू WR2 माइनस WR1, बिल्कुल उसी पैटर्न पे अगर हम इसको लिखें, सेटिंग स्मॉल r इक्वल टू इंफिनिटी, स्मॉल r इंफिनिटी करते ये टर्म जीरो हो जाएगी, यानी इंफिनिटी को अगर हम रेफरेंस बना रहे हैं, इन द लास्ट इक्वेशन वी गेट WR इंफिनिटी इक्वल टू W1, वो W1 हो जाएगा। पिछली बार हमने अर्थ सरफेस को रेफरेंस बनाया था, इस बार हम इंफिनिटी को रेफरेंस बना रहे हैं। Thus, W1 is the potential energy at infinity. One should note that only the difference of potential energy between two points has a definite meaning. बच्चों जब भी कोई relative quantity होती है तो reference change करने पर वो change हो जाती है, तो उससे ज्यादा importance दूसरी उस quantity की होती है जो change नहीं होती। तो change कौन सी quantity नहीं होती, difference change नहीं होता। जैसे पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन पोटेंशियल। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चेंज नहीं होता। वन कन्वीनियंटली सेट्स W1 इक्वल टू जीरो सो दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज जस्ट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अकॉर्डिंगली हम डेफिनेशंस बना सकते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। वी हैव कैलकुलेटेड द पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। ये हमने देखा, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास। ठीक है, तो यहां किसकी डेफिनेशन निकल के आई,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन निकल के आई। इस डेफिनेशन को हम यूज कर सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फ्रॉम द अर्लियर डिस्कशन वी लर्न दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r इज गिवन बाय v इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, पर हम इसको किससे दिखा रहे हैं, सिंबल v से दिखा रहे हैं। We choose v equal to 0 as r equal to infinity, तब ऐसा होगा। इसमें वो जो अगली टर्म थी ना w1 की जगह वो नहीं आई, यानी उसको v1 कह सकते थे हम, वो 0 हो गई। It should be noted that an isolated system of particles will have the total potential energy that equals the sum of energies given by the above equation। यानी यहां पर हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। फॉर ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो ऐसा नहीं है कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आप केवल वेक्टर क्वांटिटीज के लिए ही लगा पाओगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल स्केलर क्वांटिटीज के लिए भी लगता है। स्केलर क्वांटिटीज के लिए जब लगाते हैं तो स्केलर सम लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए लगाते हैं तो वेक्टर सम लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 8.3, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स। आप देखेंगे इसी तरह से आप जब 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर मासेस की जगह चार्जेस ले लेते हैं, चार्ज, और फिर हमें वही पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एल, ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये भी पता करना। So, consider four particles, four masses, each of mass m at the corners of a square of side L, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। हमारे पास four mass pairs हैं। Pairs क्यों बनाने पड़े? क्योंकि हमारे पास जो formula है minus g m1 m2 upon r, अब यहाँ पे एक inertia mistake होती है बच्चों से। Force में पढ़ते हैं g m1 m2 upon r square, field में पढ़ते हैं g m upon r square, तो potential और potential energy में भी inertia हमें R का R स्क्वायर करवा देता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में नीचे R सिंगल पावर में आता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास चार पेयर हैं। वी हैव फोर मास पेयर्स एट डिस्टेंस L, और चार ये तो इंडिविजुअल रिलेशनशिप हो गई। मान लीजिए मैं इसको ऐसा दिखाऊं, ओके, इस डायग्राम को हम यहाँ से उठा लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग। और बच्चों यहां पर इसमें मैं ड्रॉ करके आपको बता दूं। सो दिस इज द डायग्राम एंड सपोज ये है ए बी सी एंड डी। हमारे पास फॉर्मूला है माइनस जी m1 m2 upon r, और हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो आपको यहां देखना होता है कितने पेयर बन रहे हैं। तो AB is one pair, जिनमें आपस में इंटरेक्शन होगा, इंडिविजुअल इंटरेक्शन, और उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देन BC is another pair, देन CD is another pair, इंडिविजुअल पेयर, इंडिविजुअल रिलेशनशिप। तो कितनी इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स यहां है, DA इस अनादर, तो चार तो ये हो गए। उसके अलावा ए और सी भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब ये डिस्टेंस एल है, ये एल है, ये एल है, तो ये हो गए रूट टू एल पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी इज अनादर पेयर एंड आल्सो बी डी इज अनादर पेयर। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, चार एक जैसे, दो एक जैसे, और इस तरह से इनकी वजह से टोटल सिक्स टर्म्स आएंगे और उनका समेशन हमको करना रहेगा टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां आपने देखा है चार टर्म एक जैसी और दो टर्म एक जैसी, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल माइनस ट्वाइस ऑफ जी एम स्क्वायर, ये फोर टाइम्स है, ये टू टाइम्स, रूट टू एल। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। और फिर पूछा है पोटेंशियल भी निकालना है सेंटर पर, पोटेंशियल एट द सेंटर। तो पोटेंशियल होता है जी एम बाई आर,
माइनस में, तो चारों की वजह से मिलाकर फोर टाइम्स हो जाएगा बच्चों। तो हियर इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल दी इसमें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर वो हो गया फोर टाइम्स, या इसको हम मास से डिवाइड करके भी निकाल सकते थे, पर वो सिस्टम की है और ये पॉइंट पर है, ये आपको समझना है। तो वो जो एल बाय रूट टू डिस्टेंस है, एल बाय रूट टू कैसे आई वो समझ लीजिए। देखिए जब हमें पोटेंशियल निकालना है, मैं ब्लू कलर के पेन से दिखा रहा हूं आपको, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ये टोटल डिस्टेंस रूट टू एल है, तो आर कितना होगा, आधी डिस्टेंस उसकी होगी रूट टू एल बाय टू, यानी एल बाय रूट टू। तो इसकी वजह से पोटेंशियल है माइनस जी ए पर पड़े हुए मास एम की वजह से माइनस जी एम अपॉन एल बाय रूट टू, तो बाय रूट टू तो इधर मल्टीप्लाई हो गया ऊपर जाके नीचे वाला जो था, और इसी तरह से बी वाले सी वाले डी वाले की वजह से टोटल कितना हुआ इंटू फोर, और अब देखेंगे यही लिखा हुआ है माइनस फोर रूट टू जी एम बाय एल। तो बच्चों ये हमने सीखा पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, विच वॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है चैप्टर, तो साथ में बने रहें, रेगुलरली देखते रहें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स वो सब मैं कंप्लीट करूंगा। तो एस्केप स्पीड को पढ़ेंगे हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।